जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे वी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, छठी पूजन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस दिन अगर संतान प्राप्ति के लिए या जिनकी शादी में रुकावट आ रही है, अगर वो भी कन्याएं या लड़के भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाते हैं तो उनके योग बनते हैं। और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनकी गोद नहीं भर रही, वो छठी अवश्य मनाएं, क्योंकि छठी का पूजन करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इस दिन जो है ब्राह्मण के द्वारा मंदिर में जाकर के गोद भराने का भी रस्म होता है। जिनके संतान नहीं है, अगर गोद भरवाती हैं तो निश्चित रूप से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है या मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की छठी प्रत्येक दंपत्ति को अवश्य मनानी चाहिए। चाहे आप जन्माष्टमी के दिन नहीं कर पाए, पर छठी की पूजा अवश्य करें, साधारण विधि से ही कर लें। छठी का पूजन करने से निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, छठी इस बार बहुत अच्छे सर्वार्थ सिद्ध योग में बन रही है। जन्माष्टमी भी ऐसी सर्वार्थ सिद्ध योग था, जयंती योग था, छठी के दिन भी। दोस्तों, इस दिन चाहिए कि अपने घर में लड्डू गोपाल जी की छठी प्रसन्नता के साथ में मनावें, बड़ी धूमधाम से मनावें। और आपकी सामर्थ कम है तो आप साधारण रूप से ही मना लें, परंतु परे प्रसन्नता के साथ में मनावें। छठी के पूजन के दिन कुछ चीज़ों का विशेष महत्व रहता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, अगर आपके पास में फोटो ही है तो भगवान बाल कृष्ण की फोटो की ही पूजा करके उनकी ही छठी मना लें। इस दिन जो है सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास में दूध दही घी शहद शक्कर गंगा जी पंचामृत नहीं है तो आप जल में गंगा जल डाल के स्नान करा सकते हैं। और छठी हमेशा दिन के समय मनाई जाती है, दोपहर के समय, मध्याह्न काल में छठी की, भगवान की छठी पूजन करें, स्नान कराएं। स्नान करा के लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएं, पीले रंग की पोशाक पहनानी चाहिए। लाल या पीला रंग चलता है, लाल सिंहासन या पीला सिंहासन भी चलता है। सिंहासन पर विराजमान कर लें, भगवान को जो है श्रृंगार करें, चंदन का लेप लगाएं। और मेरे बाल गोपाल को इस दिन जो है काजल अवश्य लगाना चाहिए, कि जैसे छठी पूजन बच्चे का होता है वैसे ही छठी पूजन संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हुए उनको काजल अवश्य लगाएं। काजल अपने हाथों से पालें तो ज्यादा अच्छा रहता है। भगवान के सामने 6 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। और छठी के दिन जो काजल पाने के लिए दीपक जलाया जाता है, वो सरसों के तेल के दीपक जला के उससे काजल पालना चाहिए। शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए। अगर आप काजल नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, जो काजल है भगवान को लगा करके अपने बच्चों को लगाओ। जिनको संतान नहीं है वो भगवान को ही लगा लें, लड्डू गोपाल को लगाएं। और लड्डू गोपाल जी का नामकरण अवश्य करें। आप भगवान के 1008 नाम हैं, दामोदर भी है, कृष्णा भी है, मुकुंद भी है, बाल कृष्ण भी है, कान्हा भी है। आप कोई भी नाम रख करके अपनी संतान के रूप में भगवान को स्वीकार करें, क्योंकि अगर आपकी भावना रहेगी, भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम मेरी तरफ चल की तो देखो, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। एक कदम आप भगवान की तरफ रखोगे तो भगवान भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। और भगवान को आप बाल कृष्ण को अपने घर का सदस्य बना लेते हैं तो बाल कृष्ण भी आपको स्वीकार करेंगे। भगवान को जो है अपने घर का सदस्य बना लेना है। इस दिन भगवान को जो है बाल कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना है, विशेष करके कढ़ी चावल का भी भोग लगाया जाता है।
कढ़ी चावल माखन मिश्री इंची वो लगाएं, भगवान को टोपियां चढ़ाएं और भगवान को खिलौना जरूर चढ़ाएं, और एक खिलौना ऐसा चढ़ाएं जैसे झुनझुना चढ़ाएं जो आप हमेशा बालकृष्ण के आगे ही रखा रहे, उसे किसी को दे नहीं, आपकी गोद भरेगी तभी आपके प्रसाद रूप में अपने बच्चे को देना। और इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको करना यह है कि एक कापी लेनी है, छोटी सी कापी ले लें और एक लाल पेन लें, क्योंकि बच्चे की छठी पूजी जाती है तो कापी पेन रखे जाते हैं, तो आप कापी लेना है और कापी के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह रोली से बना करके भगवान के सामने रख दें, उसमें पहले पेज में अपना नाम लिख के अपनी इच्छा लिख दें कि आपको पुत्र चाहिए, संतान प्राप्ति की इच्छा, अपनी समस्या भगवान के सामने लिख दें, और लिख करके उस कापी पेन को जो है वहीं रखे रहने दें और अगले दिन उठा करके अपनी तिजोरी में बंद करके रख लें। या आपकी अर्जी लग जाती है इस दिन, छह बत्ती का दीपक जला के आपको मंत्र जाप करना है, संतान गोपाल मंत्र का आपको जाप करना है, संतान गोपाल चालीसा भी पढ़ सकते हैं। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहे में तनेम कृष्णा त्वामहम शरणम गता, यही प्रार्थना रखे हैं, बाल मुकुंद मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, मेरी गोद भरो हे काना, मेरे घर में पधारो। इस तरह से आप छठी का पूजन करें, फिर बाद में जो है आपने जो फल भी चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया है किसी बड़ी बुजुर्ग के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा, भगवान का प्रसाद से अपनी झोरी भरवाएं, अपनी गोद भराई करवाएं, गोद भराई की रस्म करें, और एक मूली का टुकड़ा लेकर के भगवान के हाथ में कलावा बांध के बंधन लगा दें कि हमारी मनोकामना है, हम आपको बंधन बांध रहे हैं, और जो गोद भराई का प्रसाद है उसे आप ग्रहण करें। इस तरह से सादा रूप से अगर आप भगवान की छठी मनाएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, तो देखना अगली छठी से पहले ही आपकी गोद भर जाएगी। भगवान से प्रार्थना कर लें कि अगली बार हम छठी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, हमारी गोद भर दो। छठी की छठी पूजन, छठी की गोद भराई कभी निष्फल नहीं जाती, निश्चित रूप से आपको पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। ये दोस्तों अवश्य मनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं, आप सभी को जय श्री कृष्णा।